वाली पार्टी शासित पंजाब में आपके विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा बैंक धोखाधड़ी के मामले में फंस गए। जी हां, विधायक बनने के बाद एक रुपया वेतन लेने का दावा करने वाले आपके विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा बैंक कर्ज घोटाले में फंसते हुए दिख रहे हैं। सीबीआई ने 40 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के मलेर कोटला स्थित उनके सभी ठिकानों पर छापे मारे। आपको बता दें कि ये कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर हुई है। बता दें कि सीबीआई ने छापों के दौरान 94 खाली चेक जब्त की है। इन पर अलग अलग लोगों के दस्तखत थे और आधार कार्ड भी लगे हुए थे। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारियों ने 16,57,000 रुपए की नकदी जब्त की है। इसके अलावा 88 विदेशी मुद्रा के नोट, कुछ संपत्ति के कागज, कई बैंक खाते और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए हैं। सीबीआई ने आप विधायक के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की लुधियाना शाखा की शिकायत पर मलेर कोटला के गौसपुरा स्थित तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के मुताबिक अमरगढ़ से आप विधायक इस कंपनी में निदेशक और गारंटर थे। उनके भाई बलवंत सिंह और कुलवंत और भतीजा तेजिंदर सभी कंपनियों के निदेशक और गारंटर थे। सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR में तारा हेल्थ फूड लिमिटेड के नाम की एक अन्य कंपनी का भी नाम है। आरोप ये है कि ये कंपनी DOC राइस ब्रॉन, DOC मस्टर्ड केक, कॉटन सीड केक, मक्का, बाजरा और अन्य खाद्यान्न का कारोबार करती थी। 2011 से 2014 के बीच 4 बार इस कंपनी को बैंक से कर्ज दिया गया। बाद में कंपनी के निदेशकों ने फर्जी स्टॉक और बही खातों में हेर फेर कर बैंक को 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया। बैंक ने 31 मार्च 2014 को इस कर्ज को NPA घोषित कर दिया। CBI का दावा है कि कर्ज की रकम का इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे लिया गया था। दोस्तों, आप विधायक जसवंत सिंह उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि वो विधायक के रूप में मिलने वाली तनख्वाह का सिर्फ 1 रुपया लेंगे। इस संबंध में उन्होंने एक शपथ पत्र भी दिया था। फिलहाल CBI इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।